ओके फ्रेंड, कैसे हूँ? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो एक और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। अलग अलग ब्रांड के दो पॉपुलर स्मार्टफोन, एक तरफ Redmi 12 5G और दूसरी तरफ Realme का 11X 5G, इन दोनों स्मार्टफोन के अगर प्राइस की बात करी जाए तो Redmi 12 5G को 13,499 रुपए की प्राइस में 6GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरियंट को बाय कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ Realme के 11X 5G को 14,999 रुपए की प्राइस में 6GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाय कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन में 1500 रुपीस का डिफरेंट देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी 15000 रुपीस से कम के प्राइस में नया ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो आज के इस कंपैरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि एक स्मार्टफोन के लिए उसका प्रोसेसर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एक तरफ Redmi 12 5G में Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, वहीं दूसरी तरफ Realme के 11X 5G में MediaTek का Dimensity 6100 Plus का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर Antutu स्कोर की बात करी जाए तो उसमें तो इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एक तरफ Realme के 11X 5G का जो Antutu स्कोर निकल के आता है 4,28,000 निकल के आता है, वहीं दूसरी तरफ Redmi 12 5G का जो Antutu स्कोर निकल के आता है 4,31,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ Redmi 12 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो सिर्फ 1500 निकल के आता है, वहीं दूसरी तरफ Realme के 11X 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 2200 निकल के आता। तो एक बात तो क्लियर हो गई, इन दोनों स्मार्टफोन के Antutu स्कोर में तो डिफरेंट देखने को नहीं मिलता, पर रियल लाइफ के गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में तो Realme का 11X काफी ज्यादा बेटर हो जाता है Redmi 12 5G से। दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो एक तरफ Realme के 11X 5G में 6.72 इंच की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ Redmi 12 5G में 6.79 इंच की बिग साइज की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, पर डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए सिर्फ 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि आप लोगों को ज्यादा रिफ्रेश रेट का सपोर्ट Realme के 11X 5G के डिस्प्ले में देखने को मिल जाता है। अपने स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो कैमरे के मामले में थोड़ा बेटर हो जाता है Realme का 11X 5G, क्योंकि Realme के 11X 5G के बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 64 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसका अपर्चर F1.79 अपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। वहीं दूसरी तरफ Redmi 12 5G के भी बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसका अपर्चर F1.8 अपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। इन दोनों स्मार्टफोन में से जब रियल लाइफ फोटोज को क्लिक किया गया तो आप लोगों को Realme के 11X 5G पिक्चर क्वालिटी थोड़ी बेटर देखने को मिल जाती है। दोनों स्मार्टफोन का अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो सेल्फी के मामले में दोनों स्मार्टफोन बिल्कुल एक जैसे हैं, क्योंकि एक तरफ Realme के 11X 5G में भी 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसका अपर्चर F2.05 अपर्चर देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ Redmi 12 5G में भी 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसका अपर्चर F2.0 अपर्चर देखने को मिल जाता है। पर Realme के 11X 5G के पास एक एडवांटेज है कि आप लोगों को डुअल वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जबकि Redmi 12 5G में डुअल वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो बैटरी तो दोनों स्मार्टफोन एक जैसे देखने को मिल जाती है, पर चार्जिंग स्पीड के मामले में तो काफी ज्यादा बेटर हो जाता है Realme का 11X 5G, क्योंकि Realme के 11X 5G में 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, 33 वाट के सुपर वॉक चार्जिंग के साथ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ Redmi 12 5G में भी 5000 mAh की ही बैटरी देखने को मिल जाती है, पर सिर्फ 18 वाट के ही फास्ट चार्जिंग के साथ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए दोनों स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करी जाए कि 15000 रुपीस से कम के प्राइस में इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए परफेक्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन है। इन दोनों स्मार्टफोन के Antutu स्कोर में तो डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, पर रियल लाइफ में गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में तो Realme का 11X 5G काफी ज्यादा बेटर हो जाता है। कैमरा वाइज में अगर बात करी जाए तो Realme के 11X 5G बैक का कैमरा काफी ज्यादा बेटर देखने को मिल जाता है, डिस्प्ले में ज्यादा रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, बैटरी और चार्जिंग स्पीड के मामले में अगर बात करी जाए तो चार्जिंग स्पीड भी आप लोगों को Realme के 11X 5G की
काफी ज्यादा बेटर देखने को मिल जाती है। डुअल वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन भी आप लोगों को रियलमी के 11X 5G में देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को लेने का मन बना रहे हो, कंफ्यूज हो कि कौन सा स्मार्टफोन लेना सही रहेगा, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग 15,000 रुपीज से कम के प्राइस में रियलमी के 11X 5G को ही बाय करें।